The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, friends. I am Dr. Paramjit. You are watching Doctor Education. Welcome back. Today we will talk about a very big confusion, which happening logo rapid टेस्ट कोविड 19 के, टेस्ट के बारे में, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे पहले आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, होता क्या है आपकी बॉडी में और यह टेस्ट का आधार क्या है तभी आप समझ पाओगे कौन से कंफ्यूजन के बारे में बात हो रही है यह टेस्ट का आधार है एंटीबॉडीज मतलब जब भी कोई वायरस आपके शरीर में जाता है आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है रिएक्ट करता है उसको समय लगता है ऑब्वियसली पहले वायरस जाता है कुछ दिन रखते उसको म्यूटेट उसको अपना प्रोजनी उसको अपनी कॉपीज़ बनाने में इकट्ठे होने में बहुत ज़्यादा फिर आपकी इम्यून सिस्टम जो है बेटर आपकी इम्यून सिस्टम जागती है शुरू होती है चलो भैया इसको रोकें और उसमें फिर जो इम्यून सेल्स हैं टी इम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वो जाके अटैक करते हैं वायरस को मार के उसमें से डेंड्रेटिक सेल्स उसको एंटीजेंस को उसके जो पार्ट्स हैं पीसेस बचे हैं उसको प्रेजेंट करते हैं टी इम्फोसाइट्स और फिर बी इम्फोसाइट्स के बी इम्फोसाइट्स उसके लिए एंटीबॉडी बनाते हैं और ये एंटीबॉडी आपके आगे आने वाले वायरसेस या जो बचे हुए वायरसेस है उन पर डायरेक्ट जाके अटैच करके वायरस को खत्म कर देते हैं सो so इस तरह से मल्टी फैक्टोरियल इम्यून सिस्टम है आपका जिसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये आपको समझना है एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपके बी इम्फोसाइट्स करते हैं बी फॉर बॉम्बे और इस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहां आपके शरीर में ये एंटीबॉडी आ गया है कि नहीं आया है वायरस के खिलाफ इसी के आधार पे ये टेस्ट निर्धारित है टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जब आपका खून लिया जाता है उसको एक जगह डाला जाता है उसमें जब वो एंटीबॉडी होता है तो वो एंटीबॉडी रिएक्ट करता है उस जगह पे और वहां दिख जाता है लाइन आके कि यहां एंटीबॉडी है लेकिन जो बात यहां पे इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली बात है कि वायरस जो है एंटीबॉडी मिल जाना अपने आप में इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके शरीर में उसकी इम्यूनिटी आ गई है या आपके शरीर में वायरस ख़त्म हो गया है अब नहीं है ऐसा नहीं होता पहली बात यह डिपेंड करेगा कि आपके शरीर में वायरस कब आया था क्योंकि एक समय होता है जब वायरस है शरीर में लेकिन एंटीबॉडी नहीं है तब वायरस सिर्फ पनप रहा है कुछ दिनों तक एक समय ऐसा आता है जब वायरस भी है एंटीबॉडी भी है और दोनों के दोनों है तो वायरस अभी एंटीबॉडी और इसका झगड़ा हो रहा है तब भी डिटेक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा तब और ऐसे समय पे डिटेक्ट करोगे ऐसे समय पे वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करोगे जब वायरस अंदर है लेकिन एंटीबॉडी नहीं बना तब नेगेटिव आएगा और तीसरा ऐसा भी समय है जब सिर्फ एंटीबॉडी है लेकिन जो वायरस है वो खत्म हो गया है तब भी एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा एंटीबॉडीज जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो एक बात तो तय है एक बात तो तय है कि वायरस आपके शरीर में आया था बात खत्म अब यह नहीं बता सकते कितना आया था कितना नुकसान हुआ क्या क्वांटिटी में एंटीबॉडीज है कितनी एंटीबॉडीज है कौन सी एंटीबॉडीज है यह बात की बात कौन सी का मतलब है कि एक से ज्यादा प्रकार की एंटीबॉडीज हैं जी हाँ बिल्कुल है आपके शरीर में एक से ज्यादा प्रकार के एंटीबॉडीज हैं पहले पहले जब वायरस अंदर आता है तो आपका शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है उसका नाम है आई एंटीबॉडी एंटीबॉडीज को दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिल और पहले जो एंटीबॉडी बनते हैं उसका नाम है आई सो आई करके एंटीबॉडी पहले बनता है जो ये बताता है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही वायरस आपके अंदर था बल्कि हो सकता है कि अभी भी हो राइट दैट इज द पॉइंट अभी भी आपके अंदर वायरस मौजूद है बचा है चल रहा है झगड़ा इलाज चल रहा है जो भी है ट्रीटमेंट चल रहा है आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा सो आईजीएम एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है दैट मीन यू हैव द वायरस इन योर सिस्टम करंटली ना आईजीजी एंटीबॉडी बनता है जब वो वायरस के खिलाफ एक मेमोरी बनने लगती है एक बाद की बात आने लगती है आईजीजी एंटीबॉडीज का मतलब है कि वायरस अब खत्म होने लगा है या खत्म हो गया है और जब आपके अंदर आई खत्म हो जाता है नहीं मिलता आई मिलता है सिर्फ आई तब आपको माना जा माना जा सकता है कि अब आप वायरस आपके अंदर नहीं है अब आप आपके अंदर इम्यूनिटी हो सकती है ना हो सकती है यहाँ पर भी हम है वर्ड नहीं यूज कर रहे क्योंकि यही सारा डाउट है क्योंकि आपके अंदर आई नाम का एंटीबॉडी है जो वायरस के साथ अटैच करके वायरस को मार देगा मगर सवाल पैदा होता है कितना कितना आईजीजी है आपके अंदर क्योंकि तो यहां पर जो रैपिड टेस्ट है वो क्वालिटेटिव टेस्ट है क्वांटिटेटिव नहीं है वो ये नहीं बताता कि आपके अंदर आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी कितना है वो ये सब बताता है कि आपके खून में मिला यानी है तो आपके खून में आईजीएम है मतलब इन्फेक्शन है आपके खून में आईजीजी है मतलब इंफेक्शन खत्म हो रहा है सिर्फ आईजीजी है इंफेक्शन खत्म हो चुका है बात खत्म लेकिन आईजीजी एंटीबॉडी का जब हम क्वांटिटी चेक करेंगे उसे कहते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट यहां पे तो रैपिड टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव मतलब हम नंबर चेक करेंगे कि आईजीजी एंटीबॉडी आपके अंदर कितना है तब डिसाइड कर सकते हैं कि ये भाई बहुत है मतलब अब इस इंसान के अंदर अगर वायरस आएगा भी तो उसको कुछ नहीं होगा ये इम्यून है अब प्रॉब्लम यह है कि यह नया वायरस है एक हेपेटाइटिस बी वायरस हो या एक आ, मीजल्स वायरस हो या दूसरा कोई भी वायरस हो जिसके खिलाफ हमारे पास सालों की स्टडीज हैं उसमें हमारे पास स्टडीज हैं जो बताती हैं कि आईजीजी एंटीबॉडीज का ये लेवल मतलब आप इम्यून हो इससे कम है मतलब आप एक बूस्टर वैक्सीन डोज ले लो और इससे कम है मतलब आपकी इम्यूनिटी ख़त्म एक पर्टिकुलर लेवल यहां पर यह कोरोना वायरस का नया वर्जन है नया स्ट्रेन है इसके बारे में ये सारी स्टडीज अभी हुई ही नहीं है जानकारी ही नहीं है हमें तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि कोई भी इंसान कोई भी मानुष आईजीजी एंटीबॉडी सिर्फ फकत पॉजिटिव पा जाने से क्या वो इम्यून हो गया नहीं हुआ राइट सो क्वांटिटी पता ही नहीं है तो हम बोल ही नहीं सकते कि आप इम्यून हो या नहीं हो आई होप आपको समझ आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं राइट right? क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक प्रॉब्लम है इवन इफ यू हैव आईजीजी एंटीबॉडीज फाउंड इन योर बॉडी यू आर नॉट इम्यून सो नो बडी इज इम्यून ऐसा मान के चलो मान के चलो क्योंकि अभी तक किसी को इम्यून घोषित कर नहीं सकते है ना सो नो बडी इज इम्यून फ्रॉम कोरोना वायरस कैन हैव अ सेकेंड इन्फेक्शन बट ये जरूर है कि सेकेंड इन्फेक्शन री इन्फेक्शन जब आपके अंदर वायरस जाता है तब उसको कुछ एंटीबॉडीज तो है हमें नहीं पता उसके नंबर क्वांटिटेटिवली वो काफी है नहीं काफी है कुछ एंटीबॉडीज तो होंगे आपके अंदर तो वो कुछ एंटीबॉडीज जैसे ही वायरस आएंगे सौ आएंगे हजार आएंगे मिलियंस आएंगे ट्रिलियंस आएंगे उन वायरसेस के खिलाफ डायरेक्ट ऐड करके इंस्टेड ऑफ कि उनको अपने मल्टीप्लाई करना कर करके वो अपने नंबर बढ़ाएं उनको पहले मार देंगे काफी सारों को तो कम सीरियस बीमारी होगी और सेकेंड टाइम जिसको होगा उसके चांसेस कम होंगे मरने के और कम होंगे रेट और कम होगा उस इंसान में अनलेस एन अंटिल वो पहली बीमारी से बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है बहुत ही ज्यादा है और फिर एक्सपोजर एक्सपोजर पे एक्सपोजर होता रहा है तो बात सिंपल सी है एक्सपोजर फिर भी रोकना है बात सिंपल सी है कि अब भी आपको अपना प्रिवेंशन करना है बात सिंपल सी है फिर भी अल्टीमेट ट्रीटमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग और जो केस है उस केस का बहुत ज़रूरी है कि केस के ये ढूंढा जाए कि उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए सोशल डिस्टेंसिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत सारे टेस्ट और रैपिड आइसोलेशन ट्रीटमेंट्स वो बहुत ज़रूरी है राइट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू एंड एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि जी हाँ ये बीमारी है ये कई लोगों के लिए खतरनाक है कुछ लोगों के, और कई लोगों के लिए नहीं है सो यू हैव टू डू योर पार्ट आपको अपना फ़र्ज़ अदा करना है इसमें अपने घर पे रह कर सोशल डिस्टेंसिंग करके राइट और ये बहुत ज़रूरी है ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है जिनकी हेल्थ ऑलरेडी ख़राब हैं जो वैसे ही बीमार हैं उन तक ये बीमारी ना पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है इसीलिए आप लोगों को करना है जहाँ तक ये टेस्ट की पॉजिटिविटी है फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स uh, नेगेटिव वो बात की बात है वो भी एक फैक्टर हमने लिया ही नहीं अभी कि एक टेस्ट कितने परसेंट नेगेटिव होता है कितना एक्यूरेट होता है क्योंकि ये जो रैपिड टेस्ट है इसमें भी अभी स्टैंडर्ड नहीं है स्टैंडर्डाइज एक टेस्ट हुआ नहीं है। इसमें दस प्रकार के पचास प्रकार के टेस्ट हैं जो दुनिया में मौजूद है हर एक की अलग सेंसिटिविटी है हर एक की अलग स्पेसिफिसिटी है मैं तो बात कर रहा हूँ किसी ने आई जी जी पकड़ लिया तब भी आप उसको ये घोषित नहीं कर सकते कि भाई तुम खुला घूमो

हो सकता है कि ये धीरे धीरे खुले लॉकडाउन एकदम से ना खुले और धीरे धीरे खुलने में पहले उन लोगों को बाहर जाने दिया जाए जिनमें ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है एक बार इन्फेक्शन हो चुका है और आई एंटीबॉडी पॉजिटिव है आई नेगेटिव है उस लोगों को बाहर जाने दिया जा सकता है क्योंकि उनमें फिर इन्फेक्शन होगा भी तो भी उनको जान का खतरा कम होगा डैट्स हॉड इम्यूनिटी टेस्ट जो कई देशों में हो रहा है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच अगर कोई सवाल है आपका तो जरूर पूछिए आई एम देयर टू आंसर Dr Paramjit here stay connected stay happy